क्वेश्चन है, पहले तो आपको ये बता दूं, वो भी ठीक थे जो अभी करा, वो भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, शुरुआत है, इसीलिए ज़्यादा अभी तो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आसानी से। देखिए फिर भी यहाँ इसको समझने में ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहे हैं ऑप्टेन ऑल अदर जीरोज भी फाइंड करने। देखो यहाँ पे शुरू में पावर कितनी है, 4, तो इसमें 4 जीरोज होंगे, 4 x के जो 4 आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे अलग अलग, जिसमें से ये इफ टू इट्स टू ऑफ इट्स जीरो, 2 जीरोज दिए हुए हैं, 2 और फाइंड करने हैं, ठीक है? 2 तो हमें दिए हुए हैं। अब देखिए मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 2 जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी दी है, देखो एक्स इजकल टू रूट के 5/3, और एक दिए एक्स इजकल टू माइनस के √5/3। तो देखो इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करते हो तो क्या आएगा, एक्स माइनस √5/3, और इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करते हो तो एक्स प्लस √5/3, ठीक है ना? अब अगर ठीक है, समझ में आ रही बात? अब अगर इन दोनों का इंटू करते हो तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है, तो ए प्लस बी देखो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है इसका मतलब, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आएगा। अब इसके नीचे 1 मान लो, 3 का इसमें इंटू कर दो, 3x² माइनस 5 बन जाए 5 अपॉन 3 बन जाए 3, ठीक है ना? क्योंकि ये जीरोज हैं, अगर इसके इक्वल टू 0 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो देखो इसका इंटू 1 में होगा तो क्या आएगा, 3x² माइनस 5, 3 0 या 0, लेकिन हम इस वैल्यू को ही लेते हैं तो हम इसका डिवाइड देंगे, 3x² माइनस 5 का डिवाइड देंगे इसमें। तो ये तो मैंने अभी तुम्हें समझाया था अलग से, अब मैं इसको लिख के बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे, ठीक है ना? चलिए आप देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम समझना सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए गिवन 2 जीरोज, गिवन है 2 जीरोज आर, जीरोज आर √5/3 एंड माइनस के √5/3, ये गिवन है, ठीक है? 2 जीरो ये गिवन है, तो क्या होगा देन, तब हम अब हम लिख रहे हैं तो आपको आपको समझ में आएगा, तब क्या होगा, ये जीरोज के बारे में, तो यहाँ पे ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ट्रांसफ़र करेंगे इसको माइनस के 5/3, और ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, एक्स प्लस √5/3। अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी जो, क्योंकि बता चुका हूँ मैं, ठीक है? अब देखो अब फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर, इससे ये रूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसके नीचे 1 मान लो, तो 3x² माइनस 5, 3 तो 0 में चला जाएगा, इतना ही लेंगे हम, इसमें ध्यान रखना, ये हमने लिया, ठीक है? तो ये आ गया, अब इसका डिवाइड इसमें देना है, ठीक है? तो टू फाइंड द अदर जीरोज, तो अदर जीरोज फाइंड करने के लिए, अदर 2 जीरोज वी डिवाइड अब इसको अगर हम पी एक्स मान लेते, इसको क्यू एक्स नहीं तो छोड़िए, अपन लिख देंगे, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, हम इसमें डिवाइड देंगे, इससे डिवाइड देंगे, ठीक है ना? चलिए इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। वी डिवाइड, अब डिवाइड हम दे रहे हैं तो वो लिख ही रहे हैं, किससे डिवाइड दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख ही रहे हैं, तो ज़्यादा ना लिख के हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे, इसमें डिवाइड दे रहे हैं हम, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, इससे डिवाइड दे रहे हैं, इससे ये जो आया है, ठीक है? 3x² माइनस 5 से डिवाइड देंगे, ठीक है? ये आप समझिए कैसे, डिवाइड तो आपको आता ही है अब, क्योंकि हमने पहले डिवाइड दिए है, तो अब 3x देखो, 3 तो यहाँ है ये, तो x² है यहाँ पे, x की पावर 4 लाना है, तो इसमें x² का इंटू और कर दो,
तो एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए इसका इंटू इसमें करेंगे 3x की पावर 4, और इसका इंटू आप 5 में भी करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखो -5x² इस तरह से। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए ये 6x की पावर 3 ऐसे ही लिख जाएगा। पावर टू वाले में देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2 से 5 ज़्यादा है तो प्लस के 3x² आ जाएंगे, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3, और माइनस के 10x और माइनस के 5। अब हमको लाना है 6x की पावर 3, तो 3 में 2 का इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 3 या 6 एक्स, और एक्स का इंटू और कर दो तो 2 3 या 6x की पावर 3। अब 2x का 5 में तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस के 5 2 या 10x आ जाएंगे, माइनस के 10x। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस ये कट गए, प्लस माइनस के ये भी कट गए, बचा क्या 3x² - 5। अब 3x² - 5 तो लिखाइए, तो हमें किसका इंटू करना है, प्लस 1 का, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही आ जाएगा 3x² - 5। तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस ये दोनों भी कट गए, 0 0, ठीक है ना। अब जो ये आया है इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर करेंगे वही आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज x² + 2x + 1, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसको 1, अब 1 के फैक्टर ऐसे करने के इंटू करके बनाए वैसे 2 आ जाए, तो इंटू करके 1 कैसे आएगा, 1 1 जा 1, 1 का इंटू 1 में करके आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 कैसे आएगा, +k1 + +k1, 1 और 1 2 हो जाएंगे जुड़ के। तो देखो क्या होगा, x², अब उन दोनों के साथ में x लिख दो, यानी कि +kx और +kx, 1 तो लिखते नहीं, और +1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो x कॉमन आ रहा है पहले वाले में, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लो, तो अभी ये x+1 नहीं बचेगा। अब x+1 कॉमन है तो बचा क्या, x+1 बचा फिर से, ठीक है ना। तो अब टू फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल टू देखो x+1 = 0 एंड x+1 = 0, तो 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, x = -k1, ये भी क्या आ जाएगा, x = -1, तो अदर टू जीरोस, अब इसके बाद लिखेंगे अदर टू जीरोस आर, अदर टू जीरोस आर -1 -1, ये आंसर आएगा, -1 -1 आएगा। ऑल द जीरोस में से 2 0 तो फाइंड थे ही, 2 ये फाइंड कर लिए हमने, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।